इसी के साथ दूसरा प्लेयर भी आउट हो चुका है MA MSc फाइनल ईयर का। और अब ये ऑलविश MA MSc फाइनल ईयर के छात्र काफी अच्छी स्फूर्ति से ये प्लेयर्स को चकमा देती हैं। BA थर्ड के प्लेयर्स भी हार मानने वालों में से नहीं है, काफी अच्छी स्पीड से भागते हैं। और रनिंग का इशारा -2 है, ना भागे, -2 है, पहले 4 को क्लियर करें। काफी अच्छी तरह संभाल रखा है ऑलविश ने अपनी टीम को, अकेले ही इतने सारे स्वामी जी के आते ही प्लेयर्स में कुछ ज्यादा ही एनर्जी आ गई है। पहले गेम थोड़ा धीरे चल रहा था, अब कुछ ज्यादा ही स्पीड से गेम चल रहा है। एक बार मनोबल बढ़ा दें इनका, जोरदार तालियां बजाकर। अच्छा खेलते हुए सभी खिलाड़ी, और ये आउट नहीं है। अपने गेम पर ध्यान दें, रेफरी की विसल पर ध्यान दें, जब तक आउट ना मिले फिर से पेज पलट दिया। अगर आप प्लेयर को छूते हैं और पेज पलटते हैं या भूल जाते हैं तो आउट नहीं। देखिए कितनी स्पीड है इनके अंदर, कितनी तेजी के साथ भाग रही है। और इधर ये MA MSc फाइनल ईयर की प्रगति बहुत ही चतुराई के साथ प्लेयर्स को चकमा देते हुए रेफरी की विजिट का जरूर ध्यान दें। 20 सेकंड का समय शेष बचा है। मैं प्रगति को बता दूं 20 सेकंड का समय शेष बचा है। चालू है फाइनल और कैप्टन खिलाड़ी रेडर बिस्नाई और साथ में यहाँ पे परविंदर सिंह रेड डालने और देखना होगा कि सफल होता है या नहीं। और गुरुजी ने पॉइंट दिया है MA MSc फाइनल को। आई बोकार और वहीं पर रोहित हिमाचल के रोहित ये और पकड़े गए। बहुत ही अच्छा कदम भाई हो विजेंदर भाई साहब का। और अब विकास त्यागी भाई साहब जाएंगे रेड डालने। यहाँ पर मौजूद है चटेल शुभम और सैनी मलिक, और क्या आउट करने में सफल हुए हैं क्या नहीं। और BA फर्स्ट कैप्टन अपनी रेड डालने गए हैं विपक्षी पाले में। बोनस पॉइंट लेने में सफल हुए हैं कैप्टन। अब आए हैं विजेंदर भाई जी रेड डालने के लिए विपक्षी पाले में, और ये बहुत ही अच्छा प्रयास है उनका, लेकिन कपड़े को ना पकड़े। एक और पॉइंट मिलता हुआ MA MSc फाइनल को। अब फिर से जटिल आए हैं रेड डालने के लिए, और बोनस का प्रयास जटिल करते हुए देखना होगा कि सफल हुए हैं बोनस लेने में या नहीं। खेल के आए हैं परविंदर बिस्नोई ने बहुत अच्छा बाहर धकेल दिया था परविंदर को। स्कोर जो भी रहा है दोनों टीमों ने बहुत अच्छा खेला। एक बार जोरदार तालियां। अभी खो-खो भी हमने देखा बेटियों का, उनमें भी बहुत ऊर्जा है। और कबड्डी में तो इन्होंने एकदम महारत हासिल कर रखी है, तो एक बार जोरदार अभिनंदन फिर से। और थोड़े एमए वाले सीनियर भी हैं लेकिन बीए वाले भी कम नहीं हैं, कॉन्फिडेंस बहुत है। किसी में थोड़ी कुशलता ज़्यादा है, किसी में थोड़ी कम है, तो बहुत अच्छा खेल खेला है सबने। और इसी तरह से खेलते रहे तो इसमें बहुत से खिलाड़ी हुए, तो नेशनल प्लेयर होने का सामर्थ्य है, इनके लिए बहुत बहुत अभिनंदन है। ऐसे ही क्रिकेट के बाद दो खेलों को हिंदुस्तान से लेकर के पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा अभी लोग उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं, एक कबड्डी और दूसरी कुश्ती। तो हम चाहते हैं कि पतंजलि के ये विद्यार्थी आगे भी एज ए कैरियर भी आप ऐसे कबड्डी भी बहुत अच्छा खेलें, और फिर निकट भविष्य में जिनकी रुचि होगी तो पतंजलि विश्वविद्यालय में कुश्ती का भी एक अखाड़ा खोल दें। तो बहुत ऊर्जावान बच्चे हैं, और ये सच है कि जो बच्चे खेलते हैं उनमें दो चीज़ें तो पक्की है। एक तो वो अपनी शक्ति बढ़ाते हैं, क्योंकि जिसको अच्छा खेलना है, अच्छा खेलने के लिए एक दिन में कोई नहीं खेल सकता, उसके लिए उसको डेली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, खान पीन पर डाइट पर ध्यान देना पड़ेगा, अपने आचरण पर ध्यान देना पड़ेगा। तो हमारे इन होनहार, बहुत ही समझदार और साथ में प्रज्ञावान होने के साथ साथ इन बलवान सभी विद्यार्थियों को पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से इन सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे आगे बढ़ते रहें, इनके उज्जवल भविष्य के लिए हमारी बहुत बहुत प्रार्थना है, और ये आगे भी अपने जीवन में ऐसी विश्व कीर्तिमान बनाएं, ऐसे हमारी शुभकामनाएं हैं। और ये कह रहे 1 किलो घी इनाम में, हमने तो कम मांग लिया, मैं तो 200 किलो देने वाला था। तो सब इन्होंने एक मांगा है, इनको 2-2 किलो घी देंगे सबको। छूती हुई जा रही है एक और बॉल बनी थी और ये दीपांशु के आगे बॉल को संभालते हुए कुलदीप ने बॉल को उठाया, तरुण ने बनाया और स्वामी जी ने आगे डाल दिया। और मैं एक बात आप लोगों को जरूर बताना चाहूंगा कि स्वामी जी अपना कीमती समय निकालकर आपके पास आपका उत्साह बढ़ाने के लिए आए हैं, वरना इतना समय स्वामी जी को नहीं मिल पाता है। एक बार जोरदार तालियां बजा दें स्वामी जी के लिए कि उन्होंने इतना कीमती समय निकाला हमारे लिए। जोरदार तालियां ले जाएंगे आपसे आगे निकाला शेखर मोहन अग्रवाल बॉल को संभालते हुए और मार्च में बॉल को पीछे ड्रॉप डाल दिया है अभिषेक कंडवाल। काफी संभाल के खेल रहे बॉल को निकाला है बॉल को पीछे और टीम का बेहतरीन अभिषेक कंडवाल। हिमांशु जोशी बॉल सारी स्वामी जी की तरफ फेंकते हुए और कुलदीप ने बॉल को पीछे निकाला है। हिमांशु बहुत अच्छे से संभाला है और स्वामी जी ने नचा रहा है गन से। और इसके बाद हैंडबॉल का मैच है। जितने भी प्लेयर्स हैं हैंडबॉल के ग्राउंड पर पहुंच जाए हैं। काफी अच्छे प्लेयर हैं, सभी गेम्स में इनका प्रदर्शन बेहतरीन देखने को मिलता है। और ये लास्ट सर्विस और ये दिव्या की कोशिश गोल करने लोगों के निरीक्षण में काफी अच्छी तरह से पकड़ने की कोशिश करी थी। टीम की तरफ से देखना होगा कि राहुल गए हैं पुनः अपनी टीम की तरफ से रेड डालने के लिए और यहाँ पे मैच हो चुका है। स्कोर चल रहा है पीजीडी का 21 और एमएमएससी फर्स्ट ईयर का 4। अभी काफी बड़ी लीड है पीजीडी के पास। और रस्साकसी के लिए सभी प्लेयर्स को डराते हुए देखिए कितनी फुर्ती के साथ खेल रहे हैं, इतनी लंबी लंबी टांगे लेकर। बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं ये कबड्डी के, काफी फुर्ती के साथ खेलते हैं। इसी के साथ एमएमएससी फर्स्ट के खिलाड़ी जो भी वॉलीबॉल के भी अच्छे खिलाड़ी हैं तो पीजीडी की मुकाबले में अपनी रेड लेके आए हैं। काफी शानदार से खेल रहे हैं, धीरे धीरे कदमों को आगे बढ़ाकर बोनस का प्रयास करने के साथ साथ प्लेयर को भी टच करना चाह रहे हैं खिलाड़ी। देखना होगा ये पॉइंट लेने में कामयाब होते हैं अपनी टीम के लिए और ये बोनस का बहुत अच्छा प्रयास। लेकिन राहुल अपनी भेंट देने की कोशिश करते हुए दोनों भेंट को लेकर आ चुके हैं अपने साथ और इन्हें मिले हैं 7 का 4 पॉइंट। क्रीड़ा प्रतियोगिता का जो आयोजन हो रहा है और सदैव स्वामी जी का भी आपको आशीर्वाद मिल चुका है और आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं। नंबर कम ज्यादा होना कोई बात नहीं, एक को प्रथम आना है, दूसरे को द्वितीय, तीसरे को तृतीय, पर आप लोग बहुत मन से खेल रहे हैं और आप लोगों का सौभाग्य है जहाँ श्रीदेव स्वामी जी का आशीर्वाद आपको मिला हुआ है। वहाँ पर अमेठी यूनिवर्सिटी के डीन साहब भी यहाँ पर हैं, हमारे कुलसचिव महोदय भी यहाँ पर हैं और देखने में बिल्कुल देखो ये बाबा जी आदमी, पर ये भी IITN है, IIT मुंबई से न्यूक्लियर साइंस में PhD है। आपसे कल देखने के लिए तो आप सब लोग भी याद रखेंगे इन दिनों को, इन खेलों को, ऐसी याद रहती है चीज़ें। तो बहुत अच्छी अपनी प्रतिभा, अपनी क्षमता, अपनी आदतें और अपने कार्य, हमको ऐसा आचरण और ऐसा काम करना चाहिए कि अतीत में, इतिहास में भी जब उसको याद किया जाए, लगे कि उस समय पर हमने कुछ अच्छा सा योगदान दिया था। खेल भी इसीलिए होता है कि आपकी जो आत्मीयता है, आपका जो प्रेम है, आपस में जो सहभागिता की जो भावना है कि किस तरह से हम सामूहिकता और सहभागिता के साथ में चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं, उसका यह खेल एक उदाहरण है। जीवन की दौड़ में, आगे बढ़ने की होड़ में, हम अपने जो दैनंदिन कार्य है, जो हमारी संवेदनाएं हैं, उन संवेदनाओं को ना छोड़ें, इसके लिए होता है खेल। तो आप सबको बहुत शुभकामनाएं हैं। हमारी बहनें भी बहुत अच्छा रस्साकसी कर रही थी, हमने देखा दोनों तरफ तगड़े तगड़ों को लगा रखा था, पर एक बहन ने ज्यादा जोर लगा रही थी, दूसरा कम लगा रही थी। कम लगेगा तो जरूर हारेंगे आप, तो पूरा जोर लगाएं। भाइयों ने बहुत अच्छा खेला, बहुत शुभकामनाएं हैं और आप लोग बहुत अच्छा अच्छा करो, अच्छा अच्छा खेलो, अच्छा अच्छा बनो, अच्छा अच्छा बनकर के जीवन में आगे बढ़ो। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद, बहुत धन्यवाद। संपर्क करें नादुराम विधवा मिल गए हैं, ऋषिका दीदी से संपर्क कर रहे हैं। इसी के साथ गेम शुरू होता हुआ स्मिता वर्मा बॉल को आगे ले जा रहे हैं। मेरे पास दोनों टीम आपस में लड़ती हुई, झगड़ती हुई, मुकाबला करती हुई, सिद्धि विधवा बॉल को आगे ले जाती हुई निष्ठा मोहन को पास दिया और उन्होंने पास निकाला निशिता।